कि चाहे उन्होंने पहले दिन ऐसी बातें न कही हो, कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने का की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेके उनके मन में कोई नाराजगी हो, शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। क्षोभ इस बात का है कि आज देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पे खड़ा है। आज सिर्फ दिल्ली नहीं, देश में लाखों करोड़ों लोगों की आशा का बिंदु ये आम आदमी पार्टी बनी है। जैसे जैसे लाखों करोड़ों आम लोगों की आशा का बिंदु बन रही है, वैसे वैसे इस देश के तमाम जो बड़े राजनीतिक संस्थान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं और इस देश में निहित स्वार्थ जितने हैं, उन सब के विरोध का भी केंद्र बिंदु अब आम आदमी पार्टी बन रही है। ऐसे में अपनी व्यक्तिगत नाराजगी, अपनी एक दो छोटी आकांक्षाओं को लेके इस पूरी आशा के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश करना, ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। इतिहास में कुछ ऐसे मौके हुए, पार्टी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया है क्योंकि इस पार्टी में असहमति की गुंजाइश है। अगर कोई असंतोष है उसे अभिव्यक्त करने के तमाम तरीके हैं, तमाम जगह हैं, और हमारी ये उम्मीद थी कि आपसी बातचीत से पार्टी के भीतर जो फोरम है उसका इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा, लेकिन उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने सार्वजनिक तरीके से जिस तरह के मिथ्या आरोप लगाए हैं उसके बाद पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय इसके कि इसे एक पहली नज़र में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए। और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी, यानी कि एक शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर इंक्वायरी और इसके बारे में एक तुरंत कार्रवाई उसके बारे में करनी होगी। ये अंतिम फैसला इसके बारे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेगी, लेकिन इस मायने में, इस मामले में और इस मामले के जरिए देश भर में जो इस तरह की कभी कभार गतिविधियां होती हैं, हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें बहस की गुंजाइश है, इसमें मतभिन्नता की गुंजाइश है, असहमति की गुंजाइश है, लेकिन अनुशासनहीनता की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत बड़ी चुनौती को लेके चले हैं और इस चुनौती में यदि इस किस्म की अनुशासनहीनता होगी तो सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल ये देश और हमारे भविष्य का है, उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जी नहीं, अभी शो कॉज नहीं दिया गया है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस पर मिलेगी और इसके बारे में एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी। सरोज, मेरे आपसे सिर्फ तीन सवाल। पहला सवाल, 24 तारीख को आपने ही कहा था उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए था, आप भी थे उसमें और आपने ही आके बोला था ये मीडिया क्रिएशन है, आप तब झूठ बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं कि उनकी मंत्री पद की ख्वाहिश थी? दूसरा सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में ही डिसीजंस हो जाते हैं और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के और आपका पार्टी के बीच में सांठगांठ है, आज भी आपने बीजेपी की स्पीच पढ़ने की बात कही है, कांग्रेस की स्पीच पढ़ने की बात नहीं की है, क्या ये दोबारा उस बात को साबित नहीं करता? नंबर एक, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, उस समय उन्होंने कहा था कि ये मामला मंत्री पद का नहीं है, उन्होंने मुझसे मिलके कहा था, बाकियों से कहा था कि ये मान अवमानना का मानना है, ये कोई पद का मामला नहीं है, और उनकी बात न मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। अगर कोई हमारा साथी कहता है, हमारा कोई साथी यदि आके हमसे कहता है कि देखिए मेरे लिए मंत्री पद का कोई मामला नहीं है, ये केवल मान अवमानना का मानना है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। मैंने उस वक्त भी विश्वास किया, लेकिन उसके बाद जो बात हुई है वो उन्होंने खुद कही है। जो बाद में बात हुई है, उन्होंने खुद मंत्री पद का मुद्दा उठाया और कहा कि देखिए मुझे इस मामले में भी इग्नोर किया गया और अब मुझे
लोकसभा के मामले में भी इग्नोर किया जा रहा है। तो ये पहले उन्होंने ही कहा था कि ये मामला नहीं है, बाद में उन्होंने ही कहा कि ये मामला है। अगर आप लोग एक एक करके पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर एक मिनट रुक जाइए ना, एक एक करके आपके साथी अगर सारे जो आरोप उन्होंने लगाए वो आप एक एक करके पूछ लीजिए ना, उनकी बात आ जाने दीजिए, पूरे दूसरे सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। जी जी भाई, वो सवाल पूछा उन्होंने बीजेपी वाला, जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी संयोग से वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी, अगर वो कांग्रेस की पढ़ देते तो हम कांग्रेस का नाम ले देते। आप बताइए और दीपक आप तय कर दें कौन कौन सवाल पूछेगा भाई, सवाल आपस में इनका झगड़ा हो जाएगा। बिन्नी भाई ने आम आदमी पार्टी के 5-6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेना अगर वो उम्मीदवार हैं कि नहीं है। योगेंद्र जी क्या कुमार विश्वास, मैं आज यहाँ पे घोषित नहीं कर दिया क्या? एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाइए, एक एक सवाल पूछ रहे थे बता रहे। जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है, चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस चयन समिति में बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। और आपने कुमार भाई का पूछा, कोई साथी कहाँ प्रचार करे इससे किसी पे कोई मनाही नहीं। कोई साथी यदि कल को मैं गुड़गांव में जाना चाहता हूँ, गुड़गांव में काम करना चाहता हूँ, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो अपने आप को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं उस पर पाबंदी, अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो आप मुझे बताइए। योगेंद्र जी उसी का सवाल है, योगेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि जब खुद कुमार विश्वास जी ने कहा अमेठी के जनता से अपील की कि एक राजा जिताया, राजकुमार जिताया, एक नौकर को जिता के भेजिए, तमाम शहर में लगे पोस्टर उंच बंद से, इस तरीके का भाषण क्या माना जाए कि अपने आप को आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे? सीधा कह रहे कि राहुल के खिलाफ लड़ूंगा। देखिए किसी की भी यदि कोई, अगर किसी की इच्छा है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या बुरी बात है? वो अगर कोई व्यक्ति जाके कहता है कि मुझे आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है या मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार हूँ, वहाँ दिक्कत है, बाकी जाने में मेहनत करने में और आपके जरिए आपके जरिए मैं पूरी 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो ऐसा ही प्रयास शुरू करें जैसा कुमार भाई ने किया है। इससे पार्टी का बहुत फायदा होगा। एक एक सीट पे जो लोग पता नहीं कब कब से काबिज हैं, उनको उखाड़ने की अगर मुहिम वो 543 सीटों में चल जाए तो इससे पार्टी का और देश का बहुत कल्याण होगा। आशुतोष भाई प्लीज, आशुतोष आशुतोष ने ये भी आरोप लगाया क्योंकि अचानक पार्टी जिस तरह से जीती है चुनाव, कई सारे बड़ी हस्तियां जो जुड़ रही थी आपके ज्वाइनिंग पर, उन्होंने ये बताया कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका देख करके आए। साथ ही दूसरा सवाल सरकार को लेकर कि आपने वादे किए थे टैरिफ कम करेंगे, तमाम चीजें कम कर, लेकिन राइडर क्यों बिठा दिया आपने, कंडीशन क्यों लगा दी, कहीं 400 यूनिट कहीं 700 से 1 लीटर भी एक्स्ट्रा होता तो एक राइडर, दूसरा सर आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा है क्या? इतिहास के बहुत बड़ी बदलाव की तरफ हो रहा है, उस वक्त अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ
और उसका अगर कोई अवसरवादी कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं, उन्हें मुझे अवसरवादी कहने नहीं, सर वो मेरा मेरी अंतरात्मा साफ है, मुझे मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। सोनल 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 मेरा सवाल सोनल सोनल योगेंद्र जी ने ही मन से कहा अरे भाई ऐसे करेंगे कौन शासन नहीं रहेगा प्रशासन। एक प्लीज एक एक करके सर वो कह रहे हैं कि आपने कब पार्टी क्यों जॉइन की। सरोज अरे भाई सरोज मेरी अच्छी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि लोकसभा के लिए मैंने पत्र भरा है, अब ये खुद मुझे भी सोचना पड़ेगा, योगेंद्र जी को भी सोचना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा, हवा में ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, इनके जवाब कहाँ से, अभी तक तो मैंने भरा ही नहीं, मैं बात की है, मैं बात कुछ बारे में सोचा। लेकिन इस पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोगों ने साफ तौर पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया है कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि सिर्फ आप कमेटी के लोगों का ही फॉर्म ना भरवाएं, बल्कि कोशिश करके आपके लोकसभा क्षेत्र में जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनके घर जाएं, उनसे निवेदन करें, उनसे अनुरोध करें और उनसे कहें कि हम आपका फॉर्म भरवा रहे हैं, आप पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए प्रयास कीजिए और हम सारे लोग मिलकर ऐसे लोगों को खोजेंगे। आपसे भी अनुरोध कर सकते हैं, एक सवाल अगर एक-एक कर बात करेंगे तो बेहतर होगा ना। सरकार सरकार पे जो सवाल उन्होंने उठाया है मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी एक सरकार का आप उदाहरण दे दीजिए, 15 दिनों के अंदर जिस सरकार ने बिजली पर पानी पर अपने करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की बात हो, बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने की बात हो, भ्रष्टाचार के मामले में 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और 800 कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की बात हो, इतने फैसले किस सरकार ने आज तक 15 दिनों में लिए हैं, एक भी उदाहरण बता दीजिए। और जो बीजेपी एक सेकंड मैं कहता तो काम तो कर रहे हैं ना, उस पर काम तो कर रहे हैं ना। मेरा कहना यह है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के अंदर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री का जब चुनाव जब वहां पे 2003 में भारतीय जनता पार्टी जो आज मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी उनकी पार्टी ने 2003 में सरला मिश्रा हत्याकांड को मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि हम इसकी CBI जांच कराएंगे सरकार में आए तो। 2003 से आज 2013 हो गया, 3 बार बीजेपी को वहां मौका मिला लेकिन आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड की CBI जांच की पहल नहीं हुई, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेके प्रचार अभियान से लेके बार बार इस मुद्दे को उठाया। आज उनका भाई मिलने आया था हम लोगों से, उसने कागज दिए हैं, तो जो लोग आज ये प्रश्न उठा रहे हैं उनसे भी जरा सवाल पूछिए। 10-10 साल तक आप एक प्रकरण को जो घोषणा पत्र में अपने शामिल करते हैं उसको नोटिस तक नहीं लेते और हमने लगातार जो वादे किए थे जो घोषणा पत्र में किए थे उसको शामिल किया। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल नहीं होता है, जनमत संग्रह का इस्तेमाल होता है मुद्दों पर जनता की राय लेने के लिए। हम यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए हैं, मैं केवल उसी सवाल का जवाब दूंगा जो कि दीपक जी चिन्हित करेंगे, अन्यथा हमारे यहाँ बिल्कुल ये सब चलता रहेगा, लोग देख पाए। दीपक जी आप बताएं कौन प्रश्न पूछेंगे। सोनल Much of this is because of the extraordinary hope that Aam Aadmi Party has generated. With hope comes expectations, occasional frustrations, occasional sense of
sense that it should be done faster than it is being done. We welcome these expectations. We welcome this public vigil, because that is what keeps a government in check. So we have no complaints against it. It's just that if people have a reasonable sense of time and what can be done in what kind of a time frame, things would would be easier. What we forget in all our excitement and media coverage is that this government is not even 1 month old. Yes, it's, I'm grateful that we are expected to do more than we have done. And I would urge people to continue to do so, because it would keep us on toes. But please do remember, it's only a little over 2 weeks. About referendum, Aam Aadmi Party is committed to seeking people's opinion on every critical major issue, like forming the government itself. Tomorrow, if there is some such issue on which our manifesto does not make a clear promise, and we are in a dilemma, we don't know what do people want, of course we will go back to people if there is a major issue. Most of the issues that are being discussed right now are issues on which the party has taken a clear position in the manifesto, and the issues are about how soon and in which manner it should be implemented. These are things for the government to decide. And as Sanjay Bhai said, the government has taken a huge strides, and we hope to continue to do it further. About Mr. Gopinath and other colleagues, Aam Aadmi Party has about 1.5 million members today. It would be an extraordinary expectation to assume that all those 1.5 million members of Aam Aadmi Party think alike on every major issue. They don't. And no party in the world should ever expect that. In these 1.5 million, there are some who are office bearers. There are some who are official spokespersons. If they say something which clashes with party's line or party's opinion, then I can see your unease. But Captain Gopinath happens not to be on that list. उस समय उन्होंने ये ऐलान किया था कि पानी मुफ्त, 50% बिजली का दर मुफ्त हो जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर वो कमांडो बनाएंगे, साथ में 15 दिन में लोकपाल आएगा। तो कुल मिला के जो बातें कही थी वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसमें कंडीशंस बहुत आ गए हैं। जनता क्या ठगा हुआ महसूस कर रही है, दिल्ली की जनता, या आम आदमी पार्टी क्या सफाई देंगे, बताना पड़ेगा। ये आप दिल्ली की जनता से पूछिए कि वो ठगा हुआ महसूस कर रही है या नहीं। मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो ऐसा एहसास नहीं होता, पर हो सकता है क्योंकि लोग मेरे को पार्टी का व्यक्ति मानते हैं। आपको ज़्यादा ईमानदारी से बताएंगे, आप जरूर पूछ के बताइएगा, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है या खुश महसूस कर रही है। सवाल है आंदोलन की बातों का और आज सरकार के किए का। देखिए, आंदोलन में जो तमाम बातें पार्टी के साथियों ने कही, हम सब ने कही, उसके बाद हम सब मिले चुनाव से पहले और हमने कहा कि अब हमें एक लिखित वायदे करने हैं। वो सब लिखित वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। मुझे आज बिन्नी भाई की बात सुनकर बीच बीच में 4-5 बार लगा कि शायद उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैनिफेस्टो जो कहता है वो आम आदमी पार्टी का लिखित वायदा है दिल्ली की जनता से। सवाल ये होना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी अपने लिखित मैनिफेस्टो की बातों से पीछे हट रही है? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात है जिसपे पीछे हट रही है। योगेंद्र जी, एक सवाल है। आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया, देश ये जानना चाहेगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जांच की कार्रवाई कब शुरू होगी? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसकी एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने फिर कहा कि 2 हफ्ते का समय हुआ है, इसके बारे में एक प्रक्रिया बन रही है, इसके बारे में एविडेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे टारगेटेड नहीं है पूरी चीज। पूरे जो भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा था कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी। हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी।
आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। ये चीजें करने में अगर किसी किस्म की जल्दबाजी या गलती होती है तो आप ही लोग पहले होंगे और कहेंगे कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो खुंदक निकाल रहे हैं। ये चीजें एक प्रक्रिया से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है।